हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फाइनली दोस्तों, एक न्यू वीडियो में एक न्यू फॉर्म के साथ हाजिर हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको इस तरह की इमेजेस क्रिएट करना सिखाऊंगा जो कि आजकल सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग में चल रही है और काफी वायरल हो रही है। तो चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, आप भी अपने लिए इस तरह की इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में अपने नाम के साथ। तो इस वीडियो में मैं आप सबको इस तरह की इमेजेस क्रिएट करना सिखाऊंगा। आपने क्या करना है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इस वीडियो में मैं जो प्रॉम्प्ट यूज करूंगा बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन करना है। जैसे क्रोम को ओपन करेंगे, अपने सर्च में लिखना है बिंग इमेज क्रिएटर। आपने इसको सर्च में लिखकर इसको सर्च कर देना है। तो फर्स्ट नंबर आपके साथ वेबसाइट नजर आएगा, आपने इसको लॉगिन करना है। अगर आप न्यू यूजर है या फर्स्ट टाइम इसको सिगिन कर रहे हैं तो आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनवा के इसको लॉगिन करना है। जब तक आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं बनाएंगे आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लाजमी बनाना है इसको लॉगिन करने के लिए। तो आपने जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना के इसको लॉगिन कर देंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर फॉर्म लिखना है, यानी कि आपको जिस किस्म की इमेजेस चाहिए आपने उस तरह का यहाँ पर फॉर्म लिखना है। याद रहे कि अगर आप सही प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे तो सही इमेजेस क्रिएट होगा, अगर आप प्रॉम्प्ट्स गलत लिखेंगे तो इमेज सही से क्रिएट नहीं होगा। कुछ मेरे दोस्त प्रॉम्प्ट्स सही नहीं लिखते फिर कहते हैं कि हमारे इमेजेस को सही क्रिएट नहीं हो रहे, तो आपने इसलिए सही प्रॉम्प्ट्स लिखना है यहाँ पर। तो मैंने पहले से लिख कर रखा है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आपने अपना नाम चेंज करना होगा इसमें। तो उसके बाद अपने क्रिएट पे क्लिक करना है और 15 सेकंड वेट करने के बाद देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा था सेम उसी तरीके की हमारी कितनी खूबसूरत और अमेजिंग इमेजेस क्रिएट होकर आ चुकी है। देख सकते हैं मैंने जो कुछ भी लिखा था सेम उसी तरीके की हमारी इमेजेस क्रिएट होकर आ चुकी है। तो आपने जो इमेज डाउनलोड करना है सिंपल उस इमेज पर क्लिक करना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। फिर साइड में स्वेप करना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर देना है। फिर साइड में स्वेप करके 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड कर देना है। इसी तरीके से आपने चारों इमेजेस को डाउनलोड कर देना है अपने पास। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, उसके बाद बैक आ जाना है। यहाँ पर आपने बैक आ गया तो आपने अगर कुछ आपका इमेज सही से क्रिएट ना हो या आपका नाम यहाँ पर सही से ऐड ना हो तो आपने अगेन क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है, अगेन और 4 इमेजेस क्रिएट होकर आ जाएगी। उसके बाद इस प्रॉम्प्ट में कुछ चेंजिंग भी करना चाहे तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है कुछ चेंजिंग कर देता हूँ, वाइट सलवार कमीज पर लिख देता हूँ। आप अपना फेवरेट कलर कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कुछ चेंजिंग कर देता हूँ, यह रमज़ान मुबारक के साथ मैं अपना नाम भी लिख देता हूँ, अजलान लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने लिख दिया, उसके बाद आप कुछ और चेंजिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर अगेन क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे और 15 सेकंड वेट करना है। तो 15 सेकंड वेट करने के बाद देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा था सेम उसी तरीके की हमारी इमेजेस क्रिएट होकर आ चुकी है व्हाइट कुर्ता के साथ। तो उसके बाद आपने जो इमेज डाउनलोड करना है उस इमेज पर क्लिक करना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आपने इसको डाउनलोड कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, उसके बाद बैक आ जाने। अगर आपका इमेज जो है साइज मतलब एज जो है कम है तो आपने एज को इसको यहाँ पर कुछ एक चेंजिंग कर देना है। आपने एज को यहाँ पर सही से लिख देना है एज। तो मैं यहाँ पर ये 23 ईयर्स ओल्ड बॉय लिख देना है यहाँ पर। इसके साथ आपने एज अपना सही सही तरीके से लिखना है यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 23 ईयर ओल्ड बॉय। आपने इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना जो आपका एज है आपने वहाँ पर यहाँ पर वो एज लिख देना है, क्योंकि फिर छोटे बच्चे की इमेजेस क्रिएट होगी इसलिए आपने सही एज लिख देना है। फिर क्रिएट पर क्लिक करेंगे और 15 सेकंड वेट करेंगे। 15 सेकंड वेट करने के बाद देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा था सेम उसी तरीके की हमारी इमेजेस क्रिएट होकर आ चुकी है। तो आपने क्या करना है, आपने जो इमेज डाउनलोड करना है सिंपल उस इमेज पर क्लिक कर देना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। फिर साइड में स्वेप करना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आपने इसको डाउनलोड कर देना है। आपने चारों इमेजेस को इसी तरीके से डाउनलोड कर देना है अपने पास। उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, उसके बाद बैक आ जाना है। अगर आपका इमेज सही से क्रिएट ना हो या आपका नाम यहाँ पर सही से लिख करना आया हो तो आपने क्या करना है, अपने अगेन क्रिएट के बटन पर क्लिक करके अगेन 4 और इमेज क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद इस फॉर्म को मैं कट कर देता हूँ, ये बॉयज के लिए था, अभी मैं गर्ल्स के लिए यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने लिख कर रखा है, अगर आप उसे कॉपी करना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का देख आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। फिर क्रिएट पर क्लिक करेंगे, 15 सेकंड के बाद देख सकते हैं हमारी गर्ल्स की भी इमेजेस कितनी खूबसूरत और अमेजिंग इमेजेस क्रिएट होकर आ चुकी है। तो आपने जो इमेज डाउनलोड करना है उस इमेज पर क्लिक कर देना है,
फिर साइड में थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से साइड में स्वेप कर देना, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से चारों को डाउनलोड कर दे, फिर बैक आ जाना। अगर आपका इमेज सही से क्रिएट ना हो, आपका नाम सही से लिख करना आया हो, तो आपने अगेन क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है अगेन, और चार इमेजेस क्रिएट होकर आ जाइए। अब इस पर हम लोग कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है रेड कर देता हूँ, जो येलो था मैं रेड कर देता हूँ। उसके बाद अपने मर्जी से आप कोई भी यहाँ पर चेंजिंग और कोई भी कलर यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो कलर। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर चेंजिंग कर देता हूँ। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर अभी जो है ये रेड कर देता हूँ, फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, 15 सेकंड वेट करेंगे। 15 सेकंड वेट करने के बाद देख सकते हैं मैंने जो कुछ भी लिखा था उस तरह का हमारी इमेज क्रिएट होकर आ चुकी है। तो आपने क्या करना है, जो इमेज डाउनलोड करना है उस इमेज पर क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, डाउनलोड पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्यारा सा कमेंट और लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।